सदियों से इंसान करेंसी या मुद्रा का इस्तेमाल करके लेन देन और कारोबार किया करते हैं। बीते समय के साथ लेन देन के तरीकों में कई तरह के बदलाव देखे गए हैं। एक समय था जब काम के बदले कोई वस्तु दी जाती थी, फिर सोने चांदी, तांबे और कांस्य जैसी वस्तुओं से लेन देन का काम पूरा होने लगा। राजा महाराजाओं के काल में कोड़ियां, मोती और महंगे रत्नों के माध्यम से चीजों की खरीद की जाती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ दुनिया में सिक्कों का चलन शुरू हुआ। तमाम साम्राज्यों और सभ्यता के लोगों ने सोने चांदी, तांबे और एल्यूमिनियम के सिक्कों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई राजाओं ने तो अपनी छवि वाले सिक्कों का भी निर्माण करवाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सिक्कों का इतिहास कहां से शुरू होता है? दरअसल एक भिश्ती यानी पानी पिलाने वाला, उसने मुगल बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी, जिससे खुश होकर हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए बादशाह बना दिया। एक दिन के भिश्ती बादशाह ने हिंदुस्तान में चमड़े के सिक्कों का चलन शुरू किया। इसके साथ ही करेंसी के रूप में नोट का चलन भी शुरू हुआ। सबसे पहले चीन ने करेंसी के तौर पर नोट छापे थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों में करेंसी नोटों के चलन को खूब बढ़ावा मिला। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी जमाने में करेंसी के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था? आइए जानते हैं उस देश के बारे में जहाँ पत्थर वाली करेंसी का प्रयोग होता था। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में माइक्रोनेशिया इलाका स्थित है, जहाँ बहुत छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है यप द्वीप, जहाँ की जनसंख्या सिर्फ 11,000 है। यहाँ किसी जमाने में करेंसी के तौर पर पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यप द्वीप घने जंगलों, बागों और पुराने जमाने का एहसास कराने वाला एक छोटा सा द्वीप है, जहाँ पूरे दिन में सिर्फ एक फ्लाइट जाती है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही आपको छोटे बड़े पत्थर एक कतार में ढले हुए नजर आएंगे। इन पत्थरों के बीच एक छेद होता है, ताकि इन्हें इधर उधर ले जाने में आसानी हो। यप द्वीप में हर जगह ये पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ पर चट्टाने मौजूद नहीं है और दलदली मिट्टी की सतह है, लेकिन फिर भी यहाँ सदियों से पत्थर की करेंसी का चलन है। पत्थर की करेंसी की शुरुआत कब हुई, इसके कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल पहले यप के बाशिंदे नाव के जरिए 400 किलोमीटर दूर स्थित पलाऊ द्वीप जाते थे। वे लोग इस द्वीप से चट्टाने काटकर पत्थर तराशा करते थे, फिर उन्हें नाव में लादकर यप द्वीप तक लाया जाता था। पत्थर की इस करेंसी को राई कहा जाता है। पत्थर की करेंसी से व्यापार। 19वीं सदी में यप पर स्पेन का कब्जा हो गया था, लेकिन उस वक्त भी यहाँ पत्थर से कारोबार जारी था। पलाऊ द्वीप से आने वाले नाविक अपने साथ ढले हुए पत्थर लेकर आते थे, जिन्हें वे यप के बड़े सरदारों को सौंप दिया करते थे। फिर सरदार उन पत्थरों को अपना या अपने परिवार के सदस्य का नाम दिया करते थे। ऐसा करने से पत्थर की अहमियत कई गुना तक बढ़ जाती थी। यप के सरदार दो पत्थर अपने पास रख कर बाकी पत्थर नाविक को लौटा दिया करते थे। शुरुआत में पत्थरों की कीमत सीपी यानी कामशेल की संख्या से तय की जाती थी, क्योंकि पत्थर से पहले सीपी को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक पत्थर की कीमत 50 सीपी के बराबर होती थी। हालांकि आज फुटकर करेंसी के तौर पर यप में अमेरिकी डॉलर का उपयोग किया जाता है, लेकिन आज भी यप द्वीप में इन पत्थरों की काफी अहमियत है। यहाँ के समाज में हर पत्थर का अपना इतिहास है। वर्तमान में यप द्वीप के स्थानीय परिवार के पास ये करेंसी होना बहुत सम्मान की बात मानी जाती है। यहाँ रोजमर्रा के लेन देन में पत्थर की करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि यप समाज के लोग किसी शादी संबंध को मजबूत बनाने के लिए पत्थर की करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। पत्थर के इन सिक्कों का आकार 7 सेंटीमीटर से लेकर 3.6 मीटर तक होता है। इन सिक्कों का भाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले 200 साल से कबीले का सरदार यप द्वीप की पत्थर वाली करेंसी का इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी सबको बताते हैं, ताकि आने वाली नस्लों को अपना इतिहास याद रहे। वर्तमान में पत्थर के इन अद्भुत सिक्कों को एक म्यूजियम में रखा गया है, जहां टूटे फूटे इन पत्थरों को यप की करेंसी के नाम पर इतिहास में भी दर्ज किया गया है। यप द्वीप के इतिहास में ये सिक्के किस गांव के हैं और इनका नाता किस परिवार से है, सबका पूरा विवरण मौजूद है। यप द्वीप की इस करेंसी की दिलचस्प बात ये है
कि इन सिक्कों को चोरी करने की कोशिश कोई नहीं करता, क्योंकि इतने बड़े पत्थरों को चोरी करते हुए चोर आसानी से पकड़ा जा सकता है। इन भारी पत्थरों को उठाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल काम है। यप द्वीप में पत्थर की करेंसी विरासत के तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जा रही है। यहाँ का अनोखा इतिहास लोगों को अपनी तरफ काफी आकर्षित करता है। तो ये था वो इलाका जहाँ पत्थरों की करेंसी का इस्तेमाल होता था और जिनकी अहमियत आज भी बहुत ज्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।